स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको आज तीसरा चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगी। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें का आंसर होगा सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। तो इसमें का आंसर होगा डी नंबर, कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है इंग्लैंड वासियों, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या टच। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल। ऑप्शन नंबर होगा सी आंसर, कोलोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है वियतनामक, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया। आपका आंसर होगा कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन है हो चिन मिना, फान बुई चाओ, कुआंग या तीथु। ऑप्शन नंबर होगा बी फान बुई चाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जेनवा समझौता, हुनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता या पेरिस। ऑप्शन नंबर होगा बी हुनोई समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन है रसेल, हो चिन मिना, नरोत्तम सिन्हानु या रूसो। आंसर है ए रसेल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है वाशिंगटन, निकसन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर होगा आंसर होगा बी निकसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारियों धार्मिक। ऑप्शन नंबर होगा आपका आंसर डी क्रांतिकारियों धार्मिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 या 1946 ईस्वी। आपका आंसर होगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1970 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1989 ईस्वी या 1975 ईस्वी। आपका आंसर होगा 1975 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जोन गुन आई, हो चिन मिना, बायोदाई, फान चू त्रिन्हा। आपका आंसर होगा जोन गुअन आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। दियन बियन फू के विद्रोह में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया या अमेरिका। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हु ने नेता कौन थे? ऑप्शन है फान बोई चाओ, हो चिन मिना, कुआंग दे या सुवत्र फुमा। आपका आंसर होगा सी कुआंग दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ऑप्शन है 1929 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी या 1942 ईस्वी। आपका आंसर होगा इसमें 1940 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1867 ईस्वी या 1872 ईस्वी या 1866 ईस्वी या 1864 ईस्वी। इसमें का आंसर होगा
68 ईस्वी। ठीक है, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यही खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।